बड़ी खबर और ये नोट करने वाली खबर है, रशिया के खिलाफ मास एंगर की एक मिसाल। डबलिन में रूस के दूतावास के बाहर एक हादसा नहीं हुआ है, एक घटना घटी है। मैं चाहूंगा इसको बताएं एक घटना के तौर पर। अब क्या हुआ, डबलिन में रशियन एम्बेसी के गेट पर घुसी लॉरी, सीधे दिखाएं विजुअल बगल में, लॉरी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसने जान पूछ कर इसको रैम कर दिया। फुल फ्रेम पे जरा विजुअल दिखाएं, ये देखें आप। Well done. ये लॉरी ड्राइवर जो था पूरा बैक करके गेट को क्रश कर देता है, वो आपको बता रहा हूं। इसके बाद अगली खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यूक्रेन के TB2 ड्रोन्स ने भी ढाया रूसी काफिले पर कहर। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के बख्तरबंद गाड़ियों पर किया अटैक। यूक्रेन के एक ड्रोन से रूस की दो गाड़ियों को तबाह किया गया। बगल में विजुअल दिखाएं जरा यहां पर, ये देखें आप किस तरीके से यूक्रेन के काउंटर अटैक में अब तक रूस की सैकड़ों गाड़ियां जो है वो नष्ट हो चुकी हैं। अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बहुत दुखद खबर है, अभिषेक के पास मैं आऊंगा। यूक्रेन के मारियोपोल में जारी रूस की भयानक बमबारी, मारियोपोल के रिहायशी इलाकों पर रूस ने ताबड़तोड़ बरसाए बम। मेयर ने कहा रूस ने हर 30 मिनट में घरों पर बरसाए बम। ह्यूमन कॉरिडोर पर भी हमले का आरोप लगाया, यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट एक और खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। यूक्रेन के मारियोपोल से आई बर्बादी की चौंकाने वाली तस्वीरें, रूसी फौज की मारियोपोल के रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी। दोनों शॉट्स और ब्रेकिंग दिखाएं यहां पर। शहर में खाने पीने के सामान और दवाइयों की भारी कमी। मारियोपोल सिटी काउंसिल ने जारी किया हमले का लेटेस्ट वीडियो, दोनों दिखाएं जरा। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके बाद वो अगली खबर दिखाएं। आज के हमले में पूरी तरह बर्बाद हुआ खारकीव शहर। खारकीव के चारों तरफ जमींदोज और खंडर बन चुकी इमारतें। खारकीव के चप्पे चप्पे पर दिख रहे बर्बादी के निशान। खारकीव के मेयर ने कहा रूस ने 400 घरों को तबाह कर दिया है। ये देखें तस्वीरें, मैं चाहूंगा खारकीव और मारियोपोल दोनों की तबाही के साथ मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, एक सवाल यहां पर खड़ा होता है, ये जो सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, अब इसके बाद स्ट्रैटेजिकली क्या तरीका है, ये लोग जो चले गए ये कैसे वापस आएंगे, कैसे यहां पर ये कंट्रोल करेंगे? क्योंकि जो शहर के अंदर खेरसौन में हमने देखा वो जब घुस जाते हैं तो उनका विरोध हो रहा है, वो अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ डिस्ट्रॉय कर पा रहे। देखिए रीबिल्ड अपने आप में एक एक्सरसाइज है, उसमें मिलिट्री के कुछ मिलिट्री इंजीनियर्स और बाकी जो चीजें आ जाती हैं। आपकी इजाजत से मैं विष्णु सर का जवाब एक संक्षेप में देना चाहूंगा, बिल्कुल कम इसमें। देखिए विष्णु सर, ये जो एयर डिफेंस दिया जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयर अटैक, तो आप एयर डिफेंस देते हैं एयर अटैक के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए, और जैसे जनरल ने बताया एयर अटैक तो टैंक के ऊपर हो ही नहीं रहा है, टैंक के ऊपर हो रहा है ये जो जैवलिन का मिसाइल अटैक, और जैवलिन बहुत कारगर साबित हुआ है, हजारों की संख्या में जैवलिन आ गया है। नाउ अभी जैवलिन को आप एयर से कैसे मार गिराएंगे, देर आर ऑपरेशन कॉल्ड CSFO, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन, जिसके लिए जो स्लो मूविंग एरोप्लेन आके। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।